तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीर्वाद गाइने और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीच जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में 100% बदलाव लेके आएंगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। तो आज बात करेंगे हम सक्सेस। हाँ दोस्तों, सक्सेस, सही सुना आपने। ये जो वर्ड है सक्सेस, हर इंसान की आंखों के सामने दिखाई तो जरूर देता है, लेकिन होता क्या है, इसे पाने के लिए करनी होती है जी तोड़ कोशिश। और जी तोड़ कोशिश जो कर लेता है उस इंसान को 100% सक्सेस मिलता है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, सफलता यूं ही नहीं मिलती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। और जो लोग शॉर्टकट में सक्सेस पाना चाहते हैं, उनके लिए बस इतना ही कहूंगा कि सक्सेस 100 मीटर की वो रेस नहीं, सक्सेस 100 मीटर की वो रेस नहीं जो 10 सेकंड में पूरी हो जाए, बल्कि ये तो वो लंबी मैराथन रेस है जो निरंतर लंबा सफर तय करते हुए हमारे लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना होता है। क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से, कैसे बना तेरा आशियाना, तो बोली चिड़िया, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि नहीं लगता मेरा स्टडी में मन, मैं क्या करूं, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं किसी और फील्ड में आगे बढ़ूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा टैलेंट किसी और फील्ड में है। नहीं लगता मेरा स्टडी में मन, मैं दबाव में हूं, मैं क्या करूं। सो मैंने उससे कहा, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। तो मैंने उससे कहा कि दूसरों के पैरों में कामयाबी पाने के बदले तू अपने ही पैरों पे चलकर कुछ बन ले मेरे दोस्त। क्योंकि कहते हैं ना, मुसीबत से निकलती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना टकराए वो झरना किस काम का। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज को हमेशा साथ में रखना पड़ेगा, वो है संघर्ष। और इस संघर्ष को पूरा करने के लिए आपके दिल में, आपके दिमाग में एक आग जलानी होगी, जो आग आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करेंगी। सो उस आग को जलाने के लिए मैं यहाँ पे पद्मजी शेरावत सर की 2 लाइन कहना चाहूँगा कि हो रही है फिर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हाथ लहराते हुए कोई लाश चलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये पद्मजी शेरावत सर की लाइन थी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। सो उनका बोलना यही था कि जब तक आपके दिल में और दिमाग में एक आग नहीं होंगी अपने लक्ष्य के प्रति, तब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति 100% एकाग्र नहीं है। सो उस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, आपके दिल और दिमाग में एक आग जलाने के लिए मैंने ये लाइन कही थी। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बनना, कुछ पाना चाहता है। किसी को IAS ऑफिसर तो किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर तो किसी को लॉयर, किसी को ड्राइंग आर्टिस्ट तो किसी को स्पोर्ट पर्सन। हर इंसान किसी ना किसी फील्ड में एक लक्ष्य हासिल करना चाहता है, वो अपनी फील्ड में सक्सेस पाना चाहता है। सो उठो, जागो, निकल पड़ो उस लक्ष्य की तरफ, क्योंकि कोई लक्ष्य, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटी होती है तो अपनी सोच। खत्म कर दो ऐसी सोच को, क्योंकि कोई लक्ष्य, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है तो हमारी सोच। आपकी खुशी आपके अपने लक्ष्य में है, ना कि दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में। सो दोस्तों, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कहाँ है? हाँ सही सुना आपने, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कहाँ है? सो बताता हूँ आपको, अगर कोई सपना आपको बार बार दिखाई दे रहा हो और उस सपने को पाने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, तो समझ जाइए कि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो इंसान संघर्ष करता है वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी दोस्तों, जीत उतनी ही शानदार होगी। और दोस्तों, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें तो रात भी छोटी लगती है, लेकिन जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन भी छोटा लगता है दोस्तों, दिन भी छोटा लगता है। जो लोग इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बन के उभरे हैं, शायद तब उन्होंने ये लाइन याद करी होंगी कि आंखों में मंजिलें थी गिरते और संभलते रहे, आंखों में मंजिलें थी गिरते और संभलते रहे, वो आंधियों में क्या दम था, वो चिराग तो हवा में भी जलते रहे, वो चिराग तो हवा में भी जलते रहे। और यहाँ पे पद्मजी शेरावत सर की मैं एक और लाइन कहना चाहूंगा कि आप गिरेंगे, आप गिरेंगे आप उठिए, आप गिरेंगे आप उठिए, आप लड़िए, आप गर्जिए, ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो। कहते हैं ना, जो लोगों को सिर्फ छत पर जाना है वो सीढ़ियां चढ़ते हैं,
लेकिन जो लोगों को आसमान छूना है वो सीधा उड़ान भरते हैं दोस्तों, सीधा उड़ान भरते हैं। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप ये सीढ़ियाँ चढ़ोगे या आप उड़ान भरोगे, आप अपने लक्ष्य की ओर कैसे प्रेरित होंगे, आप अपने लक्ष्य की ओर कैसे जागरूक होंगे, उस लक्ष्य की ओर आप अपने सीने में, आप अपने दिमाग में कैसे आग पैदा करोगे, ये सब आपके ऊपर है और आप किसी से कम नहीं है। सो दोस्तों आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने लक्ष्य का पीछा तब तक करते रहो जब तक आप उसे पा ना सको, तब उस लक्ष्य का मजा ही कुछ और होगा दोस्तों, तब उस लक्ष्य का मजा ही कुछ होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करें। जय हिंद।